अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान साइंस क्लब में खुश आमदीद। आज का हमारा प्रोजेक्ट है पेरिस्कोप। इस पेरिस्कोप को बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें कार्डबोर्ड, पेपर टेप, सीज़र, पेंसिल, स्केल और मिरर। इन मिरर का साइज़ तकरीबन 2 इंच होगा। ये 2 इंच स्क्वायर का जो है हमें मिरर लेना है और सुपर ग्लू। सबसे पहले जो हमारा काम है वो इस कार्डबोर्ड को काटना है। अब क्योंकि इसके अंदर हमने लगाना है मिरर्स अटैच करने हैं और मिरर्स इसका पूरा हमने एक बॉक्स बनाना होगा मिरर्स के हिसाब से। तो इसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि हम जहाँ मिरर्स को रख के यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे एक इस साइड पर, और इस तरह 4 लाइन हमने ड्रॉ। और इसके साथ अब इन लाइंस को हमें ड्रॉ करने के बाद स्ट्रेट लाइन जो है हमने लगा देंगे। ये तकरीबन इसकी लेंथ जो है पूरे स्केल के बराबर होनी चाहिए, तकरीबन 12 इंच। तो इसकी जो लेंथ हम टोटल 12 इंच रखेंगे। उसके बाद जो हमने जहाँ पर लाइन ड्रॉ की है वहाँ पर हमने स्केल रखेंगे और इसको प्रेस करना है ताकि ये इस तरफ हो जाए, और सेम इसको भी हमने ऐसे करना है। और इस तरह से ये बॉक्स हमने बना लिया। अब नेक्स्ट जो बारी आती है वो है मिरर हम अटैच करेंगे, इसके मिरर्स को अटैच करना है। तो मिरर्स इसमें हमेशा हम 45 के एंगल से जो है लगाएंगे। इस प्रोटेक्टर डी की मदद से जो है हमने इसका 45 के एंगल जो है नोट कर लेंगे। और सेम जैसे ये है और वैसे ही ये ऐसे होना चाहिए। इसको ड्राई होने के लिए जो है हमें छोड़ देना है, और सेम दूसरा जो मिरर है वो भी हमने ऐसे ही लगाना है। और आप देख सकते हैं ये मिरर भी मज़बूत हो चुका है और ये भी तकरीबन ड्राई होने वाला है। अब हमने इसको फोल्ड करना है इस तरह से, और आप देखेंगे कि इसकी डायरेक्शन इस सिंध में है, तो यहाँ पर हमने काटना है इस पार्ट को और यहाँ पर हमने इस पार्ट को जो है वो काटना होगा। तो इसके लिए बहुत आसान से तरीके से हम क्या करेंगे कि स्केल को इस मिरर के इक्वल रखेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और एक लाइन हम इस सिम्प में लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और इसके साथ भी हमने ऐसा ही करना है और इसके ऊपर भी। तो अब इसका जो सामने वाला हिस्सा है ये यहाँ तक इसको हमने काट देना है, और बाकी इसके सामने वाला जो हिस्सा है ये पूरा बॉक्स इसको हमने काट देना है। तो इसको काटने के लिए जो है मैं सीज़र की मदद लूँगा। और इस तरह से हम इसको बॉक्स को फोल्ड कर देंगे। आप देख सकते हैं कि अगर इस साइड से देखा जाए तो इस साइड से हमें जो है वो नज़र आएगा। ये हमारा पेरिस्कोप जो है बिल्कुल रेडी है।